बात करेंगे आपके प्रदेश के आज के बड़ी सरकारी फैसलों की। आपको बताते हैं कि आपके प्रदेश में सरकारी महकमों में क्या रही हलचल और कैसा रहा आपकी सरकारों का कामकाज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जियामू में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए गए मॉडल आवासों का निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में यातायात के नियम और प्राथमिक उपचार को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। साफ छवि के 1981 बैच के आईएएस अफसर राजीव कुमार अभी तक केंद्रीय जहाजरानी विभाग के सचिव के रूप में तैनात थे। चार्ज संभालने के बाद राजीव कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। राजीव कुमार ने 1982 में मिर्जापुर में सहायक मजिस्ट्रेट के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। फिरोजाबाद, मथुरा समेत कई जिलों के डीएम रहने के साथ साथ प्रमुख सचिव ग्राम विकास भी रह चुके हैं। वापस यूपी कैडर में आके आपको ठीक लग रहा है सर? वापस लखनऊ आ गए हैं, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए बड़े गौरव और सौभाग्य का विषय है कि मुझे ये मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की ओर से क्या निर्देश दिए गए, आप मुलाकात आपने की? मुख्यमंत्री जी से भी यही निर्देश मिले हैं, उन्होंने जो अपनी प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में मुझे बताया और जो चीजों को गति देनी है उनके बारे में बताया और जो उनका अनुभव रहा है, अधिकांश उन्होंने ऑलरेडी कमिश्नरियों का निरीक्षण किया है, वो अनुभव भी बताया। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर्ज माफी के मसले पर किसान संगठनों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। सीएम ने किसानों से सुझाव लिए। किसान संगठन अमरिंदर सरकार से कर्ज माफी पर जल्द पूरी स्थिति साफ करने और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं। सो सारियां गल्लां चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियरली दसियां, बहुत वधिया मीटिंग हुई है ते जिहड़ियां किसानां दीयां सजेशनस ने ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पेयजल संकट से निपटने के लिए चार बूस्टिंग स्टेशन के शिलान्यास के साथ साथ सीएम ने मेडिकल कॉलेज, फुटओवर ब्रिज, कम्युनिटी सेंटर का भी शिलान्यास किया। सीएम ने वृक्षारोपण कर हरित गुरुग्राम मिशन की भी शुरुआत की। गुरुग्राम में भी एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है तो यहाँ वो मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। 40% यहाँ के नगर निगम ने कहा तो उसका खर्चा हम करेंगे। 40% खर्च डीएमपीए जो नया बनने जा रहा है और 20% खर्च शीतला माता मंदिर का जो न्यास बना हुआ है उसमें से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी से सभी को फायदा मिलेगा। रायपुर में बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सीएम रमन सिंह ने किसानों की सभी समस्याएं हल करने का भी भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि किसान मोर्चा गांव-गांव तक पहुंचेगा और किसानों को मदद पहुंचाएगा। जिस जीएसटी का सब सपोर्ट कर रहे थे आज राष्ट्रीय स्तर में पता नहीं आह्वान हुआ और ये जीएसटी अपने आप में चमत्कारिक है। एक कर लगेगा पूरे देश में, एक कानून रहेगा, बिजनेस सरलता से होगा। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ आपकी सरकारों तक पहुंचे, इसलिए आप जुड़िए हमारे साथ। अगर आपसे आपके आसपास से जुड़ा कोई मुद्दा हो जो आप उठाना चाहते हैं तो हमें भेजिए अपनी समस्या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811782319। हम अपने कार्यक्रम में उठाएंगे आपकी आवाज़ और पहुँचाएंगे आपके मुख्यमंत्री तक। तो देखते हैं क्या है खास आज, सुनिए मुख्यमंत्री जी में। हर पिता का फर्ज होता है कि वो अपनी बेटी की डोली को कंधा दे। फर्ज ही नहीं, कहते हैं कि बेटी की शादी सबसे बड़ा कर्ज भी होता है। हर लड़की की भी यही तमन्ना होती है कि उसके हाथों में मेहंदी लगे और शहनाई बजे, लड़का आए और ब्याह कर उसे ले जाए। पर एक गांव ऐसा भी है जहां के पिता और बेटियों के लिए ये सारे सपने सिर्फ सपने हैं। उस गाँव में किसी भी लड़की की शादी नहीं हो रही और वजह है कि गाँव आज भी विकास के दौर में पिछड़ गया है। ये गाँव है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का उचाडीह, जहाँ विकास की तो बात दूर, आने जाने तक के लिए सड़क भी नहीं है। लिहाजा आज सुनिए मुख्यमंत्री जी में हम उस गांव के लोगों का दर्द सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखने जा रहे हैं ताकि बाकी गांव की तरह उस गांव के लोगों के घरों में भी शहनाई बजे। हर बेटी की यही ख्वाहिश होती है कि उसका पिता प्यार से उसे ससुराल के लिए विदा करे, शादी का मंडप सजे, दूल्हा आए और ब्याह ले जाए। पिता के लिए भी बेटी की शादी सबसे बड़ा कर्ज होती है। हर पिता इस कर्ज को कंधे से उतारना चाहता है,
लेकिन इस गांव में ना तो बेटी के अरमान पूरे हो रहे हैं और ना ही किसी पिता के कंधे का कर्ज उतरता है। बेटियों का रिश्ता तय नहीं होता, होता तो टूट जाता है। हर कोई परेशान है। लड़की की शादी का कारण यही है सर कि जो है आने पर जो रिश्ते वाले आते हैं रास्ता न रहने के कारण वो लोग बोलते हैं कि आपके दरवाजे पे गाड़ी नहीं आ पाएगी तो शादी कैसे होगी, तो रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। सुना मुख्यमंत्री जी, जो लड़के वाले एक बार आकर जाते हैं वो लौट के नहीं आते। कौन चाहेगा ऐसे गांव में अपनी बेटी को बहाना जहां आने जाने का कोई रास्ता ही ना हो। कौन लड़का इस गांव में आकर शादी करेगा। यही वजह है कि गांव की हर माँ परेशान है, हर दादी परेशान है, हर लड़की परेशान है। तीन बार लड़की की शादी पड़ी, लड़की की शादी टूट गई, अब हम लोग कैसे जिए भैया। ये दर्द है यूपी के मिर्जापुर के ऊंचाड़ी गांव का। इस गांव में बेटियों के हाथ में मेहंदी नहीं लगती, गांव में बारात नहीं आती, शहनाई नहीं बचती। लड़कियां शादी की उम्र को पार कर चुकी हैं। इस लड़की से जरा मिलिए, रीना नाम है इसका। जैसे तैसे तीन बार इसकी शादी तय हुई, तीनों बार टूट गई। असल में इस गांव में रास्ता नहीं है, रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो टूटा हुआ है। आने जाने में परेशानी होती है। गांव वालों ने अफसरों से गुहार लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एसडीएम, तहसीलदार या मिर्जापुर के जितने भी अधिकारी हैं सबके यहाँ गुहार लगाया, किसी ने मेरी इस समस्या का समाधान नहीं किए, आकर के देख कर चले गए। अब सवाल उठता है कि आखिर इस गांव की सड़कें क्यों नहीं बनती, दबंगों के आगे अफसर बेबस क्यों हैं? कब तक बिना ब्याहे बिटिया घर में बैठी रहेंगी? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये स्थिति है। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर, जी मीडिया।